25 आतंकियों ने अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर फायरिंग की। ये दावा है टूर ऑपरेटर हर्ष देसाई का, जो बस में मौजूद थे। इस बस को ड्राइवर सलीम चला रहे थे। हर्ष ने हमारी सहयोगी वेबसाइट दिव्या भास्कर काम को बताया कि एक आतंकी ने बस में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन उसे हेल्पर ने धक्का दे दिया। उधर ड्राइवर सलीम के चचेरे भाई जावेद ने कहा वो सलीम 7 लोगों की जान नहीं बचा पाया, लेकिन बस को सिर्फ जगह ले जाकर उसने 46 पैसेंजर्स की जान बचा ली। इसमें 54 लोग सवार थे। बता दें कि सोमवार रात 8:20 पर बस पर हमला किया गया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और 15 लोग घायल हुए हैं। गुरुवार दोपहर इन सभी का पार्थिव शरीर एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन से सूरत ले जाया गया। गुजरात CAM विजय रूपानी ने कहा कि ड्राइवर सलीम को बहादुरी का अवार्ड दिया जाएगा। आतंकी हमले के 4 मंजर, एक टर्न आया और शुरू हो गई फायरिंग। हर्ष देसाई ने बताया हम लोग श्रीनगर से 63 किलोमीटर आगे तक आ गए थे। इस दौरान एक टर्न पर मुड़ते ही बस पर फायरिंग होने लगी। मेरे कंधे और पैर में गोली लगी, मेरा दिमाग सुन हो गया। गोली लगने के बावजूद ये तो समझ में आ गया कि ये आतंकी हमला था। करीब 25 आतंकियों ने बस को घेर रखा था। दो वीडियो गेम की तरह चल रही थी गोलियां। हर्ष ने बताया आतंकियों के दिल में कोई रहम नहीं दिखाई दे रहा था, वो लगातार गोलियां चला रहे थे। गोलियां इस तरह चल रही थीं जैसे कि वीडियो गेम में चलती हैं। मैंने बस को वहां से निकालने की कोशिश की। 3 बस में घुसने की कोशिश कर रहा था आतंकी। मैंने देखा कि एक आतंकवादी बस में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान हेल्पर ने उसे चलती बस से धक्का देकर बाहर धकेल दिया और बस का दरवाजा बंद कर लिया। उसकी बहादुरी से आतंकी बस में नहीं घुस पाया। 4-5 किलोमीटर दूर जाने पर मिली आर्मी। फायरिंग के बीच हमने बस तेज रफ्तार से दौड़ा दी। करीब 5 किलोमीटर दूर जाने पर आर्मी वाले मिले। हमने उनसे सारी बात बताई। वे तुरंत घटनास्थल की ओर आए, लेकिन तब तक हमला करने वाले आतंकवादी भाग गए थे।